दरबार में लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि अपने जेब मोबाइल और पैसों का ख्याल रखें, क्योंकि तमाम जो ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं उनके साथ कुछ जेब कतरे भी आ जाते हैं, चोर भी आ जाते हैं। इसलिए पुलिस वाले बाबा के खादमीन बार बार कह रहे हैं अपने जेब का, सामान का, बच्चों का ख्याल रखें। सखी लाल शहबाज कलंदर के खादमीन, ये हमारी बहन है, ये भी बाबा की ड्यूटी में है, अल्लाह ताला खुश रखे। बहुत सालों से यहाँ पर बाबा की दरबार में के झाड़ू लगा रही हैं, अल्लाह सलाम करो, दुआ में याद बाबा। बहुत ज़्यादा रश है, लोग सेल्फियां बना रहे हैं। ये तकरीबन अंदरूने सिंध से लोग आए हुए हैं, पंजाब से हमारे कलंदरी भाई ईद के बाद एक या दूसरे दिन बाद निकलेंगे, आज निकलेंगे काफ़ी या कल निकलेंगे, लेकिन फासला बहुत कम है। सखी लाल शहबाज कलंदर की मोहब्बत के आगे कुछ भी नहीं है। गोल्डन गेट के सामने ही बाबा सखी लाल शहबाज कलंदर का एक फ़कीर है, लाहूती फ़कीर, लाहूती ग़ुलाम शबीर, धमाल पा रहा है, घुंघरू हमेशा बांधे रखता है, सखी लाल शहबाज कलंदर की गलियों में धमाल पाता रहता है। कबाड़ी की दुकान है वहाँ पर, पंचन पाक की मुर्शिद सखी लाल शहबाज के नाम की सबील भी चलाता है, पानी की ठंडा पानी बड़े बड़े कूलरों में भरकर सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी में लोगों को पानी पिलाता है, सबील चलाता है मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर के नाम की। MP3 सर पे हमेशा रहती है और गली गली में नाचता रहता है। मोरपंख का झाड़ू एक हाथ में होता है, बस ये घूमता रहता है। सात बजे से नौ बजे तक तकरीबन दो घंटों के लिए सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार में आता है और तकरीबन दो घंटे ही नाचता रहता है। जुम्मे के दिन को सुबह 10 बजे भी हाजिरी लगाता है। काफ़ी लोग तेलचा भी बनाते हैं फकीर की। बड़ी अच्छी और खुशवार जो हवा चल रही है, बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही है, पसीना सूख रहा है। सखी लाल शहबाज कलंदर का ये जुनूबी सहन है, स्टील वाले आलमपाक का सहन है, हवा अच्छी चल रही है, गर्मी बहुत कम है। हाँ अलबत्ता दोपहर को गर्मी होती है, कभी घुटन हो जाती है। ये सखी लाल शहबाज कलंदर का मलंग है, छोटे सर वाला कलंदरी चूहा कहते हैं। बहुत ज़्यादा रश है, सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है, मास्क के बगैर जाने नहीं देते, हर किस्म की तलाशी लेकर, अच्छी तरह तलाशी लेकर फिर दरबार में दाखिला के लिए इजाज़त मिलती है। जो पुलिस अहलकार हैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जजा दे। मुर्शिद सखी लजपाल कलंदर के रोज़े पर जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। ये जनूबी गेट की बड़ी पानी वाली सबील है सखी लाल शहबाज कलंदर के नाम की,
यहाँ पर अभी बर्फ़ ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पर बर्फ़ होती है। सकी लाल शबाज़ कलंदर के जो अकीदतमंद आते हैं वो पैसे देते हैं, या जो ये ठेकेदार सामने बैठे हुए हैं, ये जतोई ठेकेदार हैं, ये यहाँ पर बर्फ़ देते हैं और ये बर्फ़ इन पानी में डाली जाती है और ठंडा पानी सबील के हिसाब से चलाया जाता है। कभी गर्म होता है, कभी मिल्क रोज भी चलता है, कभी मीठा पानी चलता है, कभी शरबत चलता है, कभी तो गर्म पानी है। ये सकी लाल शबाज़ कलंदर के रंग है।